डांग विकास बोर्ड अध्यक्ष लाखन सिंह कटकर ने शेरपुर नव भारत स्कूल में वार्षिकोत्सव सम्मान समारोह में प्रतिभाओं को किया सम्मानित। भारतीय किसान यूनियन टिकैत आराजनैति के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश डांगोर सोमली व जाट समाज चौबीसा के कोषा अध्यक्ष लक्ष्मण सेक्रेटरी ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार को नवभारत स्कूल शेरपुर में वार्षिक उत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती मां के चित्रपटल के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। पधारे हुए सभी अतिथिगणों का विद्यालय की छात्राओं ने स्वागत गान गाकर स्वागत सत्कार किया गया। वह स्कूल के स्टाफ कर्मियों छात्र छात्रा अभिभावक के साथ साथ ग्रामीण भी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम में विद्यार्थियों को कई महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डांग विकास बोर्ड अध्यक्ष करौली विधायक लाखन सिंह कटकड़ रहे व अध्यक्षता रिटायर्ड IAS रघुवीर सिंह डांगुर द्वारा की गई। विशिष्ट अतिथि के रूप में शेरपुर सरपंच लाखन सिंह जाटव व सचिव ओम प्रकाश शर्मा डांगुर हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर प्रेमराज डांगुर डॉक्टर धर्मेंद्र डांगुर वीर सिंह गड़ी रामनिवास गायत्री अग्रवाल मुकेश जाट ब्रजेश फैलीपुरा बिरजेंद्र खरेटा मनोज सरपंच संतराम सरपंच किसान संघर्ष समिति अध्यक्ष अमर सिंह नीमरोटा महामंत्री भरतलाल डांगुर जाट समाज चौबीसा के अध्यक्ष फतेह सिंह डांगुर डॉक्टर प्रेमराज डांगुर पंचायत समिति सदस्य रामनिवास डांगुर एवं अनेक अतिथियों ने कार्यक्रम में शिरकत की। सभी अतिथियों का विद्यालय परिसर की ओर से स्वागत किया गया। सभी अतिथियों का विद्यालय परिवार की ओर से मंच संचालन सुखवेंद्र सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक झलकियां प्रस्तुत की। उसके अलावा देशभक्ति गीत स्वागत गीत एवं बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों की अतिथियों ने सराहना की। अंत में विद्यालय के होनहार विद्यार्थियों को विधायक कटकर ने शील्ड देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय स्टाफ में निर्देशक अजीत सिंह लवकुश सोलांकी कमलेश रविंद्र सिंह एवं समस्त स्टाफ कर्मी रहे उपस्थित। नवभारत स्कूल के संचालक वीरेंद्र सिंह खिजूरी व निर्देशक अजीत सिंह ने करौली विधायक लाखन सिंह कटकर का एक बड़ा फोटो फेम डांग विकास बोर्ड अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार शेरपुर ग्राम में पधारने पर सप्रेम भेंट कर जोरदार तरीके से भव्य स्वागत किया गया, जिस पर विधायक लाखन सिंह कटकर ने कहा कि शेरपुर ग्राम पंचायत के सभी ग्रामीणों के लिए हमेशा मेरे घर के दरवाजे खुले हुए हैं। किसी समस्या को लेकर अवगत करा सकते हैं और उसका तुरंत समाधान करने का ग्रामीणों को दिलाया भरोसा। वह यह स्नेह व प्यार बनाए रखने के लिए समस्त ग्रामवासियों का जताया आभार। गौरव पथ बनवाया आपके बगल में रारा में स्कूल जो बहुत दिनों से इन लोगों की मांग थी वो पांचवी से दसवीं कराया, दसवीं से तुरंत सीनियर भी हो गए। तो आप लोगों की ये बहुत पुरानी मांग है। आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से अभी आप भरत सिंह जी बता रहे थे अपना होता है वो काम करता है। ये निश्चित है आप अपने आदमी को उस जगह जो कि अभी बता रहे थे कि चाबी उसके हाथ में होगी तो ही घर को खोल के आपको कुछ देगा। अगर चाबी उसके हाथ में नहीं होगी तो वो कुछ नहीं देगा। दूसरा आदमी चाबी लेके घूमता रहेगा, आप बार बार ढूंढते रहेगा, आपको कुछ मिलने वाला नहीं। भाई निश्चित है कि आपका आदमी आपका काम करेगा तो आपके क्षेत्र की और भी जो समस्या है आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी मांग, सबसे पुरानी मांग, सबसे हमें जिंदा रहने के लिए जो मांग थी हमारी चंबल लिफ्ट परियोजना पाटना में है और जगत में आया। इसके लिए आप लोग सारे प्रयास करते, मैं भी आपके साथ प्रयास करता। इस बार तो हमने सीएम साहब को फूटा काट दिया कि आपको घोषणा करनी ही पड़ेगी। जब 23 तारीख को कुछ कर्मचारियों ने मिसगाइड कर दिया, घोषणा नहीं हुई, आपसे पहले चिंता मेरी बड़ी कि ये क्या होगा। तुरंत सीएम साहब को पकड़ा, उन्होंने कहा कि आप आना और बैठ के बात करनी। हम गए बैठ के बात करनी, साहब हमें सबसे पहले ये है, उन्होंने जो कर्मचारियों ने कुछ समस्याएं बताई उस समस्याओं का समाधान हमने पहले ही कर रखा था। हमने उस समस्याओं का समाधान भी उनको कराया, उन कर्मचारियों को चीफ इंजीनियर को बुलाया, सारे अधिकारियों को बुलाया, मंत्री को बुलाया, पर ये DPR इसमें घोषणा होगी आपको करनी पड़ेगी। तो उन्होंने सारा वो करके और हम उसी दिन आश्वस्त हो गए। मैंने आप लोगों से कह दिया कि निश्चित आपकी ये DPR वाली घोषणा हम करवा देंगे और आने वाला जो सप्लीमेंट्री बजट होगा उसमें हो जाएगा।